अक्सर आने तो कलियां गावं ही रखी हैं, तुसीं ते मज्जां भी रखी नाल। अच्छा मज्जां चोलस्तान दे विच तुहाडा मतलब है डेरे शेरे? अच्छा अच्छा हासल बोलो सर। और रोही कहला हुंदी मेरा ख्याल? हां जी हां जी रोही। सही चोलस्तान अगे आ के इनु हासलपुर तो चोली सब शुरू हो। रोही रोही लैदा ना ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਦਾ ਟੁਕੜੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਈ ਆਸਾ ਸੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾੜੇ ਲਾਭ ਦੇ ਚੰਦਰ ਚੋਲਿਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਸੇ ਆਪ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਖੈਰ ਵਾਫੀਅਤ ਸੇ ਹੋਂਗੇ। ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਇਨਸੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇੱਕ बड़ा और अहम पेशा शुमार होता है। हमारे यहाँ पंजाब में भी बहुत से इकसाम के मवेशी पाले जाते हैं, जिनमें भैंसें और ख़ास तौर पर गायें बहुत ही अहम हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर्स घरेलू लेवल पे मवेशी पालते हैं और ज़्यादातर अपनी ही ज़रूरियात के लिए महदूद पैमाने पे इस पेशे को अपनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे वसी पैमाने पे इस पेशे को अपनाया जाता है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जनूबी तरफ चोलस्तान का इलाका, वहाँ बहुत ही वसी पैमाने पे मवेशी पाले जाते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पूरा साल चारा वसी लेवल पे दस्तियाब नहीं होता, इसलिए ऐसे लोग अपने सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में मवेशियों का रेवड़ लेकर दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते हैं। आज आपको यही व्यू करवाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह ये लोग अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाकों में अपने मवेशी चराने के लिए जगह जगह लिए फिरते हैं और अपने इस पेशे की बका को कायम रखे हुए हैं। भैंसों की तरफ भी उनकी तवज्जो मबजूल हो गई है। इस दिखाए जाने वाले रेवड़ में भी आप देखेंगे कि गायों के साथ साथ भैंसें काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और इसके अंदर जो गायें हैं उनमें ज़्यादातर रोही की गाय पाई जाती हैं। रोही की गाय दूध देने में बेमिसाल समझी जाती है और ये सख्त जान भी है। इसके साथ साथ इसमें साहिवाल की गाय भी है और दूसरी कई अकसाम की गाय मौजूद हैं। वीडियो के एंड तक वाच कीजिएगा और बराह करम वो दोस्त जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में और अजीज़ वकारम में शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि तमाम लोग वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। नहीं रोकना तो नहीं चाहिए। रोकना की है देख कितनी ज्यादा
आराम बैठे को बहुत जल्द किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।